आपको लोग सुरेंद्र पाल के नाम से कम और महाभारत के द्रोणाचार्य के रूप में ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। अगर ये बात मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत लोग ये जानते हैं कि आप महाभारत के द्रोणाचार्य थे, भले ही आपका नाम वो जानते हैं या नहीं है। देखिए, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कलाकार जो हैं, जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार लोग हैं जी, वो कहीं ना कहीं काम की तलाश में रहते ही हैं जी, कि कोई अच्छा काम मिले। हाँ। लेकिन कभी कभी अच्छा काम मिल जाता है लोगों को और लोगों को पता ही नहीं लगता है कि वो अच्छा काम है या बुरा काम जी। तो मेरे को भी इसी तरह ऑफ़र आया, गुफी पेंटल जी ने मुझे, जो कि उन दिनों मैनेजर थे और जिन्होंने मामा शकुनी का रोल किया जी, था जी, जी। उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने हाँ। कहा कि ऐसे ऐसे एक भूमिका बच गई है, बाकी सारी कास्टिंग हो गई है। तो मैं उनके ऑफिस में मिलने गया और उन्होंने मुझे वहाँ बहुत कन्विंस किया कि द्रोणाचार्य एक आर्मी का जनरल था, बहुत ताकतवर था और बहुत पावर थी उसके पास जी। ताकत बहुत थी उसकी। हाँ। और वो अपनी पावर से कुछ भी कर सकता था, वो 10 अर्जुन बना सकता था, 10 नहीं बल्कि 100 और 1000 अर्जुन बना सकता था, इतनी ताकत थी। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन मिली और मुझे ऐसा लगा कि द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था। तो उस इंस्पिरेशन से मैंने जो है उस रोल को एक्सेप्ट किया और करना शुरू किया। okay. उसके बाद तो जग जाहिर है, दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया बिल्कुल, और उसको बहुत ज़्यादा सराहा जी बिल्कुल।